हेलो फ्रेंड्स जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे इमामी सेवैयाँ आसान फूड रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हम किमामी सेवई बनाने के लिए चाशनी तैयार करेंगे इसलिए हम एक बर्तन में ऐड करेंगे 400 ग्राम चीनी हमने यहाँ पर 400 ग्राम चीनी ली है इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे 700 सौ पानी इसको एक बार चला लेंगे और इसमें ऐड करेंगे एक चौथाई टीस्पून ऑरेंज फूड कलर देखिए आप यहाँ पर एक चौथाई टीस्पून रेड फ़ूड कलर भी ऐड कर सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर एक उबाल आने के बाद इसे लो फ्लेम पर कुछ देर तक पकाएंगे। देखिए हमने चासनी को पकने के लिए रख दिया है अब एक हेवी बोटम पैन लेंगे और इसमें ऐड करेंगे एक टेबल स्पून घी घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे घी अच्छे से गर्म हो जाए इसके बाद हमने गैस की फ्लेम को लो कर देना है और अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स में हमने लिए हैं एक टेबल स्पून काजू एक टेबल स्पून बादाम और पिस्ते और दो टेबल स्पून किशमिश इसको हम इसमें ऐड करेंगे और एक मिनट तक इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर अच्छे से सोटे कर लेंगे ये देखिए हमने ड्राई फ्रूट्स को घी में अच्छे से सोटे कर लिया है अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे जिस हेवी बॉटम पेन में हमने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से सोटे किया था उसी पेन में हमने ऐड करना है दो टेबलस्पून घी और घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे घी अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सेवई हमने यहाँ पर 250 ग्राम सेवई ली है जिनको हमने इस तरह से क्रश कर लिया है देखिए ये जो क्रश की हुई सेवई है इसको अब हम ऐड कर देंगे घी में गैस की फ़्लेम को हम यहाँ पर लो रखेंगे और सेवई को गोल्डन ब्राउन होने तक लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे देखिए यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को लो ही रखना है अगर गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे तो जो सेवई है वो जल जाएगी देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक हमने लो फ्लेम पर सेवई को अच्छे से घी में भून लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी तैयार की हुई चाशनी चाशनी मे को बनाने के बाद हमने लो फ्लेम पर इसे पाँच मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है अब गर्मा गर्म चाशनी को ही हमने सेवई में ऐड करना है चाशनी को सेवई के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे सोटे किए हुए ड्राई फ्रूट्स थोड़ी सी क्वांटिटी ड्राई फ्रूट्स की हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे और बाकी की इसमें ऐड कर देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए इसमें जब इस तरह से बबल्स आने लगे तब हमने इसमें ऐड कर देना है सौ ग्राम मिल्क पाउडर देखिए मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स नहीं करेंगे इसे ढक कर पहले दो मिनट के लिए हमने ऐसे ही पकने देना है मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद हमने इसे लो फ्लेम पर ढक कर दो मिनट के लिए पका लिया है आप सोच रहे होंगे कि हमने मिल्क पाउडर को ऐड करते वक्त ही इसके साथ मिक्स क्यों नहीं किया इसकी एक वजह यह भी है कि हमने इसमें मावा यानी कि खोया नहीं ऐड किया तो मिल्क पाउडर को ऐड करने के बाद दो मिनट तक ढककर पकाने से क्या होता है कि इसमें मावे जैसा टेस्ट और टेक्सचर आने लगता है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिल्क पाउडर को हमने सेवई के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है देखिए सेवई बनाते वक्त हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम इसे लो फ्लेम पर ही बनाएंगे अब इसे ढक देंगे और ढक कर लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच बीच में दो से तीन बार चेक भी करते रहेंगे देखा आपने झटपट हमारी किमामी सेवैयाँ बनकर तैयार हो गई अब गैस की फ़्लेम को ऑफ करके इसे डिश आउट कर लेंगे देखिए हमने ड्राई फ्रूट की जो क्वांटिटी गार्निशिंग के लिए रखी थी उसे आप अभी भी ऐड कर सकते हैं या फिर प्लेटिंग के वक्त भी ऐड कर सकते हैं तो खाने के लिए तैयार है कि मामी सेवैयाँ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड बाय।